अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको अपने घरों में शादर आबाद रखे। जी तो व्यूअर्स, आज हम जो है ना वो लगाएंगे बैन, और बैन हमने कितना लगाना है ये मैं आपको बताती हूँ। हर बंदी की चॉइस होती है, कुछ चौड़े बैन पसंद करते हैं कुछ कम। तो ये देखिए हमारा बैन जो है ना, ये 1 इंच जो है ना वो चौड़ा है। तो इसकी हम थोड़ी थोड़ी सी कटाई कर लेते हैं। तो ये देखिए हम इसको थोड़ा सा जो है ना ये इस तरह इतना जो है ना हम इसकी सारी जो है ना वो कटिंग कर लेंगे। करके दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं कि हमने जितनी शुरू की थी बिल्कुल उसी हिसाब से हमने उतनी अपनी जो है ना कटिंग कर ली है। थोड़ा थोड़ा हमने सारा बैंड जो है ना वो कटिंग कर लिया। अब हम अपनी कमीज़ की पॉइंट कर लेते हैं। जी तो व्यूअर्स, गले का जो है ना हाला आपने हमने बना लिया हुआ है। अब इसकी हम आपको पेमाइश करके दिखाते हैं कि हमने कितना रखा हुआ है। ये ऊपर से तकरीबन देखें 5.5 तक है, और ये नीचे से जो है ये 4 इंच हमने इसकी गहराई काटी थी। अब हम अपनी इसकी बैंड की पेमाइश कर लेते हैं कि ये हमारा बैंड टोटल जो है ना वो कितना लगेगा। बैन लगाने में जो एक अहम टिप है वो ये है कि जब भी बैन लगाएं तो उसकी अच्छे तरीके से पेमाइश करें। और पेमाइश करने के बाद एक और ट्रिक है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ कि वो क्या है जिससे ये हमारा बैन जो वो बिल्कुल अच्छे तरीके से लगेगा, और जितना हमने काटा होगा बिल्कुल उतना ही जो है ना वो पूरा आएगा। कम या ज़्यादा उनके चांसेस कम होंगे। जी तो ये हमारा तकरीबन 16.5 जो है ना वो बैन बन रहा है हमारा। अब हम अपने बैन की पेमाइश कर लेते हैं। जी तो हम अपने बैन की पेमाइश कर लेते हैं, और सेम वैसे ही हम करेंगे। 8 से हमने थोड़ा सा जो है ना वो ज़्यादा करना है। ये देखिए 8 तक हम आ गए हैं, तो 8 से हम जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा हम कटिंग कर लेंगे। जी तो व्यूअर्स, अब हम इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट करके आपको दिखाते हैं। बैन की ये जो चमक वाली साइड होगी, देखिए एक सादी साइड है और एक चमक वाली साइड है। देखिए ये चमक वाली साइड जो होगी वो हम कपड़े के ऊपर रख के पेस्ट कर लेंगे। जी तो व्यूअर्स, बैन हमारा अच्छे से देखें पेस्ट हो गया। अब हम इसको जो है एक्स्ट्रा कपड़े की कटाई कर देंगे। इतना कपड़ा के बाकी हम कटाई कर देंगे। जी तो व्यूअर्स, बैन हमारा ये देखें पेस्ट हो गया, और हमने इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो भी काट लिया। एक चीज़ जो बैन तैयार करते वक्त हमारे लिए हमेशा मिसिंग हो जाती है हमसे, उसके किनारे से इस तरह से सफाई से हमसे तैयार नहीं होते। उसके लिए हमने क्या करना है कि ये हम थोड़ा सा पानी ले लेंगे किसी बर्तन में, और इसमें ये कपड़ा गीला करके जो साइड हमने चेपी के ऊपर कपड़े की फोल्ड करनी होगी उसको ऐसे गीला करके, आप चाहे तो शावर भी कर सकते हैं, ऐसे अच्छे तरीके से गीली करके सारी, तो फिर जो है इसको फोल्ड करेंगे तो ये हमारे बहुत प्यारे जो है वो किनारे बन जाएंगे चेपी के। देखिए अब हम इसको प्रेस से जो है अच्छे तरीके से फोल्ड कर लेते हैं। अच्छे तरीके से आप हाथ से जो है इसको खींच के तो प्रेस करते जाएं तो हमारा किनारा जो है वो बहुत प्यारा बनता जाएगा। देखिए बाकी भी हम तैयार कर लेते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये देखिए हमारा बैन कितना प्यारा जो है ना वो बन गया। ये देखिए बिल्कुल,
और अगर हम आप कपड़ा फोल्ड करके दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो है वो जेपी के साथ हमारा कपड़ा फोल्ड हुआ ही दिखे। चलिए अब हम इसको लगा के दिखाते हैं आपको। बैन तैयार करते वक्त सबसे पहले हम यहाँ पे जो है ना वो एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। जी तो व्यूअर्स ये देखने की हमारी सही लगी। अब हम इसके ऊपर दूसरा कपड़ा लगा लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके नीचे जो है ना वो कपड़ा रख के जिस शेप में हमारी चेपी है उसी शेप में हम जो है ना वो सिलाई लगाएंगे। इसकी इधर से हम सिलाई शुरू करेंगे अपनी, इस साइड से हम सिलाई शुरू करेंगे और सारे अपने बैन के ऊपर लेके आएंगे सिलाई। जी तो व्यूअर्स सिलाई हमारी लग गई है। अब हम अपना एक्स्ट्रा कपड़ा जो है काट देंगे। ये देखें दोनों साइडों से हमारा कपड़ा भी एक्स्ट्रा। इससे हम अपना एक्स्ट्रा कपड़ा ऊपर से काट लेंगे। जी तो व्यूअर्स एक्स्ट्रा कपड़ा हमने सारा काट लिया। देखें इसको अब हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके इसको अच्छे तरीके से किसी भी नोकदार चीज़ की मदद से देना इसकी ये कोने सेट कर लेंगे। अब इसको हम अच्छे तरीके से जो है वो प्रेस कर लेते हैं। ये तो व्यूअर्स बैन हमारा अच्छे से प्रेस हो गया। बैन लगाने से पहले एक और जो ज़रूरी काम है वो मैं आपको बता दूं कि वो क्या है। जो भी हमने वो बैन की कटिंग का जो बनाया हुआ है ये हाला जो हमने बनाया हुआ है इसको हमने पहले एक पैर की जो है वो सिलाई लगा लेनी है। उससे ये होगा कि हमारा बैन जो है बिल्कुल जितनी हमने कटिंग की हुई उतना बिल्कुल पूरा आएगा, उससे कम या ज़्यादा नहीं होगा। जी तो व्यूअर्स ये देखिए हमने सारे जो है ना वो अपने हाले पे सिलाई लगा ली है। अब हम बैन लगाना शुरू कर देते हैं। जी तो व्यूअर्स बैन लगाने के लिए हमने अपनी शर्ट की जो है ना वो फ्रंट वाली साइड लेनी है और उसका जो राइट वाला हिस्सा होगा उसको बैक साइड से पकड़ के अपना बैन रखेंगे ऐसे। तो हम जो है ना वो सिलाई स्टार्ट से पक्की करके लगानी शुरू कर देंगे। जब हम बैंड के एंड पे पहुंच जाए तो अच्छे तरीके से कपड़े को अंदर करके जो है ना वो आप सिलाई लगाएं, वहाँ से भी पक्का कर लें। ये तो हमारी जो सिलाई वो अच्छे तरीके से लग गई है। कपड़े को अच्छे तरीके से अंदर करके देखिए अब हम इसकी ऊपर वाली सिलाई जो है ना वो शुरू कर लेते हैं। दोनों साइडों से जो है ना वो अच्छे तरीके से कपड़े को अंदर कर लें। जी तो फिर अच्छे तरीके से हम जो है ना वो सिलाई ऊपर लगा लेंगे और शुरू होने अच्छे तरीके से पक्का कर लेंगे। अगर वीडियो जो ना वो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बानो क्रिएट्स को जो है ना वो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जी तो व्यूअर्स जी देखिए बैन हमारा कितना प्यारा जो है ना वो लग के तैयार हो गया। देखिए अंदर से बाहर से। जी तो ऐसी अगली नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जजाकअल्लाह।